हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप गैट बी के पार्ट ए, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, PYQs डिस्कस कर सकें। हालांकि मैं एक मिनट की कीमत की जो प्लेलिस्ट है उसमें रोज़ आपके साथ एक गैट बी का एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, बट द स्कोप इज़ लिमिटेड। वहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे आज मैं कुछ एक जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने एक ट्रेंड देखा और उस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो उसको मैं लेकर के आया हूँ आज की वीडियो में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको गैट बी के पार्ट ए को करने में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपका कॉन्सेप्ट कुछ सॉरी कुछ मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखें, टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए पहला क्वेश्चन, टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन पास बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली एंड देन दे कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकेंड्स, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कि अगर एक आदमी खड़ा हुआ है और इसको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इस ट्रेन को इसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखिए जो इसकी लेंथ होगी वही कवर करनी पड़ेगी, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी जो है वो ट्रेन उस आदमी को क्रॉस कर पाएगी। और दूसरा एक और सिनेरियो इसमें दिया हुआ है कि अगर दो ट्रेन्स ऑपोजिट चल रही हों ऐसे करके, तो इनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो देखिए जब इंजन क्रॉस कर रहा है वहाँ से शुरू करिए और उसके बाद क्रॉस करने में पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इस ट्रेन की लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन्स की लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी, तब हमें टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी पेज के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ताकि आपको और दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं ये बात जानता हूँ, सभी आप लोग जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पे दो ट्रेन्स की बात की गई है, तो हम पहले ट्रेन की स्पीड S1 ले लेते हैं और डिस्टेंस कितना ये कवर कर रहा है, याद रखिएगा कि फर्स्ट ट्रेन के बारे में जब वो मैन को क्रॉस कर रही है तो टाइम रिक्वायर्ड 20 सेकेंड्स है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब एक मैन को क्रॉस कर रही होगी वो ट्रेन, तो उसे अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो D1 है। मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मैं शॉर्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो पहले ट्रेन की लेंथ D1 हो गई और वो कितने टाइम में क्रॉस कर रही है उस मैन को, वो है 20 सेकेंड्स, ठीक। तो ये हो गया फॉर ट्रेन नंबर 1, ठीक है। अब क्या मैं इससे D1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो D1 इज इक्वल्स टू 20 S1 हो जाएगा। क्यों ना मैं इसी तरीके से दूसरी ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करूँ। तो स्पीड 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे उसका टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, मुझे टाइम दे दिया है 10 सेकेंड्स, तो स्पीड 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 अपॉन 10 हो जाएगा। डिस्टेंस 2 क्या है, जो ट्रेन जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लेंथ जो है वो डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ से भी ये कितना, ये किसके लिए है जी, ये है ट्रेन नंबर 2 के लिए। अब यहाँ से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, D2 इज इक्वल्स टू 10 S2। इतनी चीज़ हमारे पास आ गई, इतनी चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, दूसरा यानी कि थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का कह रहा है कि जब ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकेंड्स लग रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस केस में जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर होता है वो ट्रेन का, पहली ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ होता है।
और स्पीड कितनी होती है। याद रखिएगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ये कि जब भी दो ट्रेन्स, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी एक ट्रेन ऐसी जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, तो इस केस में क्या होता है, ट्रेन्स जो होती हैं बहुत तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो होती है वो S1 + S2 हो जाती है, दोनों की स्पीड का जोड़ हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो मेरी टोटल स्पीड, अगर मैं दोनों के क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 + S2 हो जाएगी। और डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर रही है, D1 + D2। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे D1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल रखी है, D2 की यहाँ से निकाल रखी है, इसी में मैं इसको डाल देता हूँ, यानी कि S1 + S2 इज इक्वल्स टू, D1 की जगह मैंने 20 S1 लिख दिया, प्लस D2 की जगह पे मैंने 10 S2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैं कर दूँ 15। भाई यही तो है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, जो कि बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 S1 + 15 S2 इज इक्वल्स टू 20 S1 + 10 S2, ये मेरा काम हो जाएगा इतने से। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे S1 को एक तरफ ले जाना चाहिए, तो इसको इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेकर के चले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको समझ में आ जाएगा, ये माइनस, ये इसको पहले इक्वल टू कर देता हूँ, तो -5 S1 इज इक्वल्स टू -5 S2, ये हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा, और आप देख सकते हैं S1 = S2, S2 = 1:1 आ जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन जो है ये अभी रीसेंट जो गैटबी का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन निपट गया जो कि मैथ्स का था। चलिए बिना देर किए हुए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, अज्यूम डेंसिटी ऑफ द एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू 1 g/mL। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब ये सीधा साधा क्वेश्चन है, अगर आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो मोलारिटी का फॉर्मूला कितना होता है आप जानते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। देखिए मैंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल्स, इन सब के ऊपर कई क्वेश्चंस देखे हैं, और मैं 1 मिनट की कीमत सीरीज़ में भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो अब व्हाट इज़ द मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है, और प्योर एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। अब प्योर एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कितना मॉलिकुलर वेट होता है प्योर एसिटिक एसिड का, 60 होता है। ठीक, तो प्योर एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर वेट मुझे पता है, और मुझे यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखी है 1 g/mL। अब इस डेंसिटी से मैं वेट कितना ले सकता हूँ वो डिटरमाइन हो सकता है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम इन लीटर लेना है। तो अगर मुझे लीटर के अंदर वॉल्यूम लेना है तो मैं 1000 ml अगर ले रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, तो 1000 ml में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है कि 1000 g प्रेजेंट होगा। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करता हूँ, आपको पता है कि इसी फॉर्मूले को मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 / वॉल्यूम इन लीटर, ये तो लिखता हूँ मैं। ठीक, तो अब क्योंकि वेट मैंने बता दिया आपको कि 1000 g हो जाएगा, क्योंकि मैं 1000 ml ले रहा हूँ, यानी कि वॉल्यूम 1 लीटर ले रहा हूँ। अब मॉलिकुलर वेट मुझे पता है 60, वॉल्यूम इन लीटर मुझे पता है 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर 16.66 आया हुआ है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, 16.7 या 16.66 करके आंसर आ रहा है। तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 1, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैथमेटिक्स में, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे कई देखे हैं मैंने मैथमेटिक्स के अंदर। तो कम से कम अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं गैटबी पेपर ए में, तो आपको ऐसे फॉर्मूला पता होने चाहिए जिसको इस्तेमाल करते आप झट से आंसर निकाल लें, वरना इसमें टाइम बहुत खर्चा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ।
अगर 10 टर्म्स का आपको सीक्वेंस जैसा दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, 16, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप समझ पाएंगे कि ये 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से अगर ये सीक्वेंस बढ़ रहा है तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, अगर मैं ए मान लूँ ए टू द पावर ज़ीरो, इसके अलावा ये पहला जो टर्म है मेरा वो ए टू द पावर ज़ीरो है, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, क्योंकि मैं सम करना चाहता हूँ तो इस ये दूसरा टर्म हो जाना चाहिए ए टू द पावर वन, तीसरा टर्म हो जाना चाहिए ए टू द पावर टू, चौथा हो जाना चाहिए ए टू द पावर थ्री, इस तरीके से करते करते ए टू द पावर एन माइनस वन तक मैं जा सकता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये जो मेरा रूल है क्या ये फॉलो कर रहा है। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूँ, आपको समझना पड़ेगा ये कि ए की वैल्यू यहाँ पे मुझे 2 लेनी पड़ेगी, और एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन करने को बोल रहा है, तो वो आप एन समझ लीजिए। ए क्योंकि मुझे 2 टू द पावर 0 क्या होता है आप जानते हैं, 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, इस केस में यहाँ पे 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, फिर 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, फिर 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, फिर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरा बिल्कुल फॉलो कर रहा है, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा 4 है, चौथा 8 है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो अब मैं अगर इस तरीके की सीरीज़ हो, ये वाली सीरीज़ हो, तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, ए टू द पावर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस वन। तो ए टू द पावर एन, मुझे ए टू द पावर एन रखना है, तो ए मेरे लिए यहाँ पे कितना था, ए इज इक्वल्स टू 2 था, और एन कितना मैंने बताया था 10 था, क्योंकि 10 नंबर्स का सम करना है, तो 2 टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। अब हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए कि 2 टू द पावर कितना होता है। भाई आप जानते हैं 2 टू द पावर 10 जो होता है वो 1024 के बराबर होता है, ये सबको पता होना चाहिए, 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1023, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इस तरीके के और भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए ये अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत आसानी से बन सकता है, सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपने ज़रूर की होगी पहले, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो सेट थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि कुछ एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स टोटल पढ़ते हैं, जिसमें कि 24 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये कह रहे हैं 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब अगर आप 24 प्लस 16 कर दें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो 35 स्टूडेंट से ज़्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और वही चीज़ इत्तेफाक से हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बोथ क्रिकेट और फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे होंगे। तो देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में ऐसे कुछ रीजन होगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ही गेम्स खेलते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 24 प्लस 16 कितना हो जा रहा है, अब जानते हैं 2, 3, 4, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और क्लास में स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, 35 ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40 माइनस 35 अगर मैं कर दूं तो 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें भी आ जा रहे हैं और इसमें भी आ जा रहे हैं, दो बार ऐड हो गया, इसीलिए स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा आ जा रही है। तो ये इसका आंसर हो गया बी, यानी कि 5। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प सा क्वेश्चन है और उसमें ज़्यादा फिजिक्स लग भी नहीं रही है। आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजिक्स का तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें दी बहुत सारी चीज़ें हैं, काम की बहुत कम चीज़ें हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है 410 नैनोमीटर।
इज इक्वल टू बैंड गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमी कंडक्टर। अब आपको पता होगा वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड जो होता है वो ऊपर होता है, वैलेंस नीचे होता है। जब भी कोई एलिमेंट कंडक्टिव होता है तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उछल करके कंडक्टिव बैंड में चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, वॉट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है सेमीकंडक्टर का, तब भी आप एक फॉर्मूला जानते हैं जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो दिया हुआ है 3 × 10⁸ और h को साथ में जोड़ता है। कौन सा फॉर्मूला है सर? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला हम सबको पता है। एक्चुअली E इज इक्वल्स टू एच न्यू एक्चुअल फार्मूला होता है, और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होती है। ये बात हम जानते हैं। H क्या है यहाँ पे? H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और हमें इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। क्या है वैल्यू? 4.1 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इंटू C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी C की वैल्यू, C क्या था? C थी हमारी स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा मुझे दे दिया हुआ है कितना, 410 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब देखिए बाकी सारी चीज़ें आप मीटर में ले रहे हैं, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना होता है? 410 × 10⁻¹⁹ मीटर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये माइनस नाइन को ऊपर लेके चले जाइए तो 10⁻¹⁷ हो जाएगा ऊपर, है ना, 10⁻¹⁷ हो जाएगा। और हाँ, और ऊपर यहाँ पे ये माइनस 15 दिया हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए इसको, इसको और इसको, ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब 100 इतना हो गया। अब अगर आप इसको इसको काट दीजिए तो यहाँ पे नीचे भी ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लूँ मैं एक बार। यस, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। कैलकुलेशन अब अपने आप से कर सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया और कैसे क्वेश्चन करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथ्स के भी हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक तरीके का बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, और सीरीज और पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मतलब कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो इंडक्टर का हो, तीनों का पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और कैपेसिटर का, रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर का, इन तीनों का सीरीज और पैरेलल में कैसे एडिशन होता है ये पता होना चाहिए। मैं अभी जल्दी कुछ समय में एक फिजिक्स की एक बुक लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें मैं बायोलॉजिस्ट के लिए या जो लोग बायोलॉजी के अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टाइफर हो, चाहे वो आपका आईटी जैम हो, चाहे वो गैट भी हो, उससे रिलेटेड सारा आपको मटेरियल मेरी फिजिक्स की बुक में मिल जाएगा। उससे फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। तो चलिए वापस आते हैं। व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। अब ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, याद रखिएगा ये रजिस्टर नहीं जुड़ा हुआ, ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर को सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ने के तरीके अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर। ठीक, तो देखिए अगर ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 8 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है, ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप कैपेसिटर को जोड़ते हैं सीरीज़ में तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, एकदम वैसा ही जैसे रजिस्टर को आप पैरेलल में जोड़ते हैं वैसा। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का सम करना चाहूँ यहाँ पे, या इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो मुझे एकदम उसी की तरीके से जोड़ना होगा जैसे मैं रेजिस्टर का पैरेलल वाला जोड़ता हूँ। तो कैसे हो जाएगा? 1/4 + 1/8 = 1/C। मेरा टोटल कैपेसिटर इस ब्रांच को, टोटल कैपेसिटेंस इस ब्रांच का निकल के आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। तो अगर मैं C इस ब्रांच का निकालने की कोशिश करूँ तो ये 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये 6 माइक्रोफेराइड भी दिया हुआ है, और ये कैसा दिया हुआ है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला किस तरीके से जुड़ेगा? जैसे सीरीज़ में हम रेजिस्टर को जोड़ते थे वैसे जुड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से जोड़ें, ये 8/3 हो गया, प्लस ये क्या है, 6 माइक्रोफेराइड है, तो इसको भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसको आप अगर जोड़ेंगे तो ये 26/3 आ जाएगा।
यानी कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 8.6 के आसपास आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा यानी कि ए। ठीक है, तो याद रखिएगा रेजिस्टर को जोड़ना, इंडक्टर को जोड़ना और कैपेसिटर को जोड़ना आपको आना चाहिए, ये हो गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये आपका हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस +3। अब ज़्यादातर हम लोगों को फॉस्फोरस -3 का पूछा जाता है, आपने अगर IIT JEE वगैरह का या नीट का एग्जाम दिया होगा तो हम लोग को ज़्यादातर फॉस्फोरस -3 का पूछा जाता है। तो आप फॉस्फोरस का अगर आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है, तो फॉस्फोरस का अगर आप एटॉमिक नंबर जानते हैं तो वो कितना होता है, 15 होता है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर। तो अगर 15 होता है तो अगर मैं इसका कॉन्फिग्रेशन लिखना शुरू करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, 2, 8 और 5। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, क्योंकि ये आउटर मोस्ट और 3+ है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाएंगे, तो लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना बचेगा, 3s2 बचेगा, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, यानी कि ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो गया। बाकी सब में देखिए, यहाँ 3s1, 3s1, 3s2, 3s2, तो इन्हीं दोनों में से मेरा होना चाहिए था और आपको ये पता चल गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है। मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये यूनिटरी मेथड टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इसको अपने छोटे क्लासेस में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो देखिए, 3 टैप्स A, B एंड C टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 10 मिनट्स, द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 20 मिनट्स एंड द टैप बी अलोन इन 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। अब सीधे से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं इसमें से ये पता कर लूँ कि ए बी और सी का 1 डे का वर्क कितना है, एक दिन का उनका काम कितना है, अगर मैं ये पता कर लूँ और उसमें से मुझे ए का 1 डे का काम पता चल गया है, बी का 1 डे का काम पता चल गया है, सी का मुझसे पूछ रहा है, तो ए बी सी का 1 डेज वर्क माइनस ए और बी का 1 डे वर्क कर दीजिए तो आपको सी का 1 डे वर्क पता चल जाएगा, और जैसे ही सी का 1 डे वर्क पता चला आप उसका कंप्लीट डेज वर्क निकाल सकते हैं, यही करना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1/10 हो जाएगा, 1/10 मिनट्स है दिया हुआ है यहाँ पे मुझे। अब ए का अलोन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा जी, ये पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ए का अलोन का 1 डे वर्क है 1/20, बी का अलोन का 1 डे वर्क कितना है, 1/40। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टैप सी अलोन टू फिल इट, टैप सी को कितना समय लगेगा इसको पूरी तरीके से फिल करने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/10 माइनस कर देता हूँ 1/20 प्लस 1/40 को। सर ये क्यों किया, क्योंकि ए बी सी का 1 डे वर्क पता है, ए और बी का पता है, तो सी का निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/10 हो जाएगा -1/20 -1/40, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1/40 आ जाता है। ये सी का 1 डेज वर्क है, सी का 1 डेज वर्क है, तो यानी कि सी टोटल काम कितने दिन में, कितनी देर में ख़त्म कर देगा, यानी कि सी अगर खुला रहेगा तो 40 मिनट्स के अंदर टोटल ये फिल कर सकता है पूरे सिस्टम को अकेले, तो इसका आंसर आ गया ए 40 मिनट्स। तो हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट, 40 मिनट्स इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हो गया। तो याद रखिएगा इस तरीके के जो वर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं जो यूनिटरी मेथड से निकल सकते हैं और 1 डेज वर्क का कॉन्सेप्ट उसमें अगर आप लगाते हो तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, व्हाट इज़ द मोडल एज फ्रॉम द गिवन डेटा, अगेन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस आपको मोड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मोड का कॉन्सेप्ट होता क्या है, यहाँ पर आपको एज दी हुई है और कुछ नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्लास के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 10 एज के 12 स्टूडेंट हैं, 11 एज के 9 स्टूडेंट्स हैं,
12 एज के 8 स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से एक डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए मॉडल एज निकालने के लिए सिंपल सा है, मोड का मतलब क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ दी हुई नंबर ऑफ बॉयज क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, यही मेरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो मुझे मॉडल एज पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 12 ही की तो है। अगर 12 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो मेरी मॉडल एज कितनी हो गई, 10 हो गई, तो मेरा काम बन गया, यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया इसका। तो 10 इज़ द मॉडल एज, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ आपको कलम भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खुद से देखते ही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन निकालना है तो। दिया क्या क्या हुआ है, 25 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट्स लग रहे हैं 80% कंप्लीशन करने के लिए उस रिएक्शन को। तो 25 मिनट्स में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जा रहा है और आपसे टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। तो अब आप जानते हैं देखिए जो यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ पे ए नॉट क्या है, ए नॉट मतलब ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट जहाँ से आपने शुरू किया था, ए क्या है जितना बचा रह जाता है वो ए है, के क्या है कॉन्स्टेंट है आपका, टी क्या है टाइम है आपका। तो सबसे पहले मुझे ये पता है क्योंकि 80% कंप्लीशन की बात कर रहा है तो मेरे पास बचा कितना होगा, भाई 20 ही तो बचा होगा, तो ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी हो गई, 20 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 25 मिनट्स मुझे दिया हुआ है, 25 लिख लीजिए, प्लस ए जीरो मेरी शुरुआत में कितना कंसंट्रेशन रहा होगा, 100 मैंने ले लिया, तभी तो मैं बाद में 80% खत्म करने के बाद 20 ले रहा हूँ, तो ये हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इधर आप 100 को दूसरी तरफ ले जाइए तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 25, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए, के की वैल्यू निकाल लीजिए, 80 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू मैंने निकाला था तो 3.2 आ रही है, ठीक। अब मुझे के की वैल्यू पता चल गई, अब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम पता होना चाहिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 100 है हमारा, k अभी अभी मैंने निकाला यहाँ से 3.2, तो 2 इंटू 3.2 कर दीजिए, ये हमारा याद रखिएगा ये मेरा मिनट्स में निकल के आ रहा है, लेकिन हमें तो सेकंड में आंसर पूछा हुआ है, तो क्या करें सर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है 937.5, देखिए आंसर है बी, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा काम। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हाफ लाइफ टाइम पूछता हुआ है या इस तरीके के फॉर्मूलेज में कोई भी चीज़ पूछ सकता है, तो याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो मैं लेकर के आया था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं बस ये दिखाने के लिए लाया था कि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी कि आप पार्टी में अगर कुछ भी नहीं करके जाते तो कुछ एक क्वेश्चंस तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और कुछ एक क्वेश्चंस अगर आपको थोड़ा आइडिया है, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 के मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया, 9 की आप टेबल पढ़ दीजिए, तो 9 इंटू 1 9 होता है, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 36, 45, ये 5 टॉप के या 5 पहले मल्टीपल्स हो गए 9 के। अब इसी का आपको एवरेज पूछ रहा है, इन तीनों को आप ज़रा ऐड कर दीजिए, इन तीनों को इन पांचों को आप ऐड करेंगे तो 135 आ रहा है, और एवरेज बोल रहे हैं तो इसीलिए इसको मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 5 है इन टोटल, तो 135 डिवाइडेड बाय 5 करिए तो आ जाएगा आंसर 27, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया मेरी तरफ से ये कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।